जो दुनिया में उस नसैनी के बिना कोई नहीं आ पाया। कौन नसैनी है? मां। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, और माता से है सबका नासा, सबका नाता है मां से। बिना मैया के कोई नहीं आया। भगवान सोचने लगे, अब हम कौन सी ऐसी मैया है जिस मैया के उधर से जन्म लेकर के हम देवराज इंद्र की मदद करूं, क्योंकि भगवान जो है जानते हो किस मां के उधर में आते हैं। जे ही के कपट दंभ नहीं माया, ताई के हृदय बसे रघुराया। जिस मैया का हृदय रूपी आंगन पवित्र होता है, जो मैया सोते समय सोने से पहले उन प्रभु का स्मरण करती है, जानती हो माताओं मैया कौशल्या सीता और देवकी यशोदा जैसी जो माताएं हैं, उनका हृदय रूपी आंगन पवित्र होता है। और जिस मैया का हृदय पवित्र होता है, भगवान उसी के उदर से जन्म धारण करते हैं। अब भगवान ये सोच रहे, कौन ऐसी मां है जिस मैया के उदर से हम जन्म धारण करें। दिमाग में आ गया, कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति रोज मेरा भजन करती और रो रो के कहती कि हे प्रभु, अगर मेरी कोख से लला पैदा हो तो आप जैसे हो, हे भगवान मेरे उधर से बच्चा पैदा हो तो आप जैसे हो, तो आज
मां अदिति फूल तोड़ रही है। जब टोकरी लेकर के मैया अदिति बाग में गई फूल तोड़ने लगी है, मेरे भगवान बिल्कुल अणु जैसा रूप बनाकर फूल में प्रविष्ट हो गए। अदिति ने फूल तोड़ के नाक से लगाया, देखो उस प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, जो फूल नाक से लगाया हाय दैया भगवान नाक के द्वारा मैया के गर्भाशय में आ गए। मैया को जब तो मालूम पड़ी कि ज्वाली की भारी चीज हमारे पेट में चली आई, लेकिन दुखिया ने जना जान पाए कि संसार के दाता ही हमारे पेट में आए गए, जगदाधार हमें बेटा बन के आए रे, मैया होश नहीं। आज फूलों की टोकरी लेकर घर आई, स्नान किए, चटाई डाल के बैठे ही भगवान की मूर्ति में फूल समर्पित किए और फिर आंखें बंद करके जो भगवान को भजन कर बे को बैठी, अरे दैया मैया अदिति के पेट में पीरें आने लगी। एकदम मैया घबरा गई, हाय मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया, हाय राम आज 35 साल हो गए, मैं तो अपने पति से बिल्कुल दूर रहती हूँ, मेरे पति भी प्रभु के ध्यान में बैठे हुए भजन करते हैं, फिर मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया, आ राम मैं ये क्या देख रही हूँ। एकदम से भगवान पैदा हुए, बना छोटे खाली बच्चा नंगे खड़े।